अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर सुहेल साहिल। क्या हाल चाल है, कैसे सब लोग? तो यार बड़ी टाइम बाद में अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद दो तीन लोगों को मैसेज देना है। और काफ़ी सारे लोगों ने, अभी रिसेंटली मैं किसी से मिला हूँ, काफ़ी सारे लोगों का मतलब मैं अपने फैंस से मिला हूँ, और फैंस मीटअप रखा गया था फैंस की तरफ से, जहाँ उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। तो मेरी उनकी बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई, और बहुत ग्रेटेस्ट जिसे कह सकते हैं मीटअप हुआ। तो वो मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के कुछ मंज़र जो है ना, वो आप लोगों के सामने अपने जो यूट्यूब की जो मेरे चैनल है उनकी वीडियोस में, मेमोरीज में मैं रखना चाहता हूँ, और वो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज योर सुहेल साहिल और आप देख रहे हो ये फैन मीटअप। ये सारे मेरे फैन हैं जो आज मुझसे मिले हैं। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि यार सुहेल भाई, अपनी वीडियोस कैसे बनाते हो, ये सब कैसे करते हो, इस तरह से किस तरह करते हो। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ही मैंने आज सोचा कि आज वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, पोस्ट करूं। और बात ये है कि कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं बिज़ी था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने चैनल छोड़ दिया, चैनल नहीं छोड़ा भाई, मैं अपना काम वगैरह कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियोस। तो और इसमें से कुछ ने पूछा है कि यार सुहेल भाई, आप वीडियोस कैसे बनाते हो, किस तरह से पोस्ट करते हो, किस तरह से करते हो, क्रिएट करते हो, किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हो, किस तरह से ये सब एडजस्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाने के लिए और बताने ही के लिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ और पोस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ मैं आप लोगों को, बल्कि मैं दिखा देता हूँ यार। ये मेरे पास नॉर्मली माइक है, और ये माइक आप देख सकते हो कि नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाएगा, सस्ता है। और इसी माइक के ज़रिए मैं अपनी जितनी भी वीडियोस वगैरह होती हैं और ऑडियो जो होती हैं, मैं अपनी सारी वीडियोस इसी से रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत छोटा सा माइक है ये, आपको नज़र आ जाएगा ये। तो इससे मैं अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, और मेरे पास एक छोटा सा ट्राईपॉड है, और ये रखा हुआ ट्राईपॉड। तो इसके साथ मैं थोड़ा कैमरे वगैरह को एडजस्ट करता हूँ, और अच्छा है जिसे कह सकते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास अभी तक, और ये सिस्टम वगैरह जहाँ से मैं अपनी वीडियोस वगैरह करता हूँ, और ये मेरे स्पीकर जो मैंने अनबॉक्स किया था, शायद याद होगा। तो इसी के ज़रिए मैं अपनी सारी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो यही वीडियो मैंने सोचा कि ना आज लोगों के साथ शेयर करूँ, बताऊँ कि ये सारी चीज़ें के ज़रिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ये नॉर्मली जो माइक है ना, ये आपको आराम से मिल जाएगा। लास्ट टाइम मुझसे अहमद चौधरी ने पूछा था कि यार ये माइक कहाँ से लिया आपने, यार मैंने नॉर्मली कंप्यूटर मार्केट से, ये मोबाइल से, और मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, पीसी से भी कनेक्ट हो जाता है, तो ये मैंने माइक वहीं से लिया था। ये तरीकाकार है मेरी वीडियोस वगैरह बनने का, और आज का जो ये सारी वीडियो सेटअप है ना, ये मैंने बगैर माइक के रिकॉर्ड करी है। तो आवाज़ में थोड़ा बहुत मसला आएगा, लेकिन ये कि साउंड में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई की वीडियोस में कोई मसला नहीं हो सकता। तो ये वीडियोस थी, और आज इसीलिए थी। तो मैं अपनी वीडियोस वगैरह कंटिन्यू रखूँगा, तो फिलहाल अभी चलता हूँ, इजाज़त दो, और इंशाल्लाह एक दो दिनों में फिर मैं अपने चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। तो चलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ। चलता हूँ, ना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।